बताते चले कि कुशीनगर जनपद के सेवरही थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत तिवारी पट्टा घाट टोला निवासी वीर बहादुर निषाद उर्फ जंगी निषाद का 2 वर्षीय मासूम पुत्र सत्यम निषाद का आंगनवाड़ी केंद्र में बने अधूरे पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसमें संबंधित ग्राम प्रधान गोदावरी देवी के पति जदाशंकर जायसवाल के विरुद्ध स्थानीय थाना सेवरही में मुकदमा 304A में अपराध पंजीकृत किया गया था। परंतु पीड़ित परिवार और ग्रामीणों का एक समूह द्वारा हमारे संवाददाता को जो जानकारी दी गई वे काफी चौंकाने वाली थी। उक्त लोगों के अनुसार प्रधान पति जटाशंकर जायसवाल काफी पैसे वाले व्यक्ति हैं, जिसके इशारे पर स्थानीय पुलिस प्रशासन कार्य करती है। तभी तो जो अपराध ग्राम प्रधान पर दर्ज होना चाहिए था वे प्रधान पति पर दर्ज की गई और घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रधान पति के तानाशाही रवैये से ग्राम सभा का विकास अनियमितता का भेद चढ़ चुका है और उक्त प्रधानपति खुलेआम स्थानीय पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार उक्त प्रधानपति अपने खास गुर्गों को साथ लेकर मुकदमे वापस लिए जाने व वोट नहीं दिए जाने पर जान से मारने की धमकी देता रहता है। इस संबंध में जब प्रभारी निरीक्षक सेवरही से जरिए मोबाइल संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका मोबाइल नॉट रीचेबल मोड में मिला। इंडियन वाइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम नंदलाल यादव है। परेशानी है हमारे यहाँ, सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारा घर तिवारी पट्टी ग्राम सभा में है और वहाँ हमारे गांव का एक वार्ड टोला है तिवारी पट्टी घाट टोला। उस घाट टोला में एक आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर जो है कि मनमाने ढंग से हमारे गाँव के पूर्व प्रधान जटाशंकर जायसवाल जो है सरकारी धन का दुरुपयोग करके पानी का 6x4 का सोखता बनवा दिया गया है और 3 महीना पहले वो बनवाया, बार बार उसको कहा गया कि उस गड्ढे में बच्चा मर गया, 2 साल का एक बच्चा मर गया। कैसे मरा है? वो गड्ढे में डूब जाने से मरा है और गड्ढा में डूब जाने के मेन कारण था कि वो जटाशंकर जायसवाल है, वो गड्ढा का ढक्कन लगवाया नहीं था और उसको बार बार कहा गया था ढक्कन लगवा दो, वो झाड़ कर बोल देता था कि ढक्कन नहीं लगेगा, जितना जो जिसको मरना है वो मरे। और उसके बाद से जो है कि कई गैर जिम्मेवारी है उस प्रधान की। प्रधान जो है कि हमारे गांव को तहस नहस कर दिया है, अपने मन से सरकारी मैप से कोई काम नहीं करता, अपने मन से अपना कार्य करता है, उसमें कोई सरकारी प्रस्ताव भी नहीं था। वो अपने मन से गड्ढा बना दिया, बाहरी रोड की सड़क का पानी उसमें गिरवाना चाहता था। इस गलती की वजह से वो पूरी जिम्मेदारी जो है कि प्रधान की है और हम लोग गाँव के लोग जा कर के ग्रामीण लोग सड़क के अनशन वगैरह किए तो मौके पर SDM सहित थाना वगैरह आए तो सच्चाई जाँच हुई। जाँच होने के बाद से उनके ऊपर 304A का मुकदमा लगा, गिरफ्तारी का आदेश भी हुआ, लेकिन अभी पुलिस कुछ कार्रवाई की इस मामले में? कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं गिरफ्तार की। वो गांव में घूम घूम करके कह रहा है कि मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, वो मुकदमा मैं खत्म कर दूंगा, मैं पैसे वाला हूँ, वाकई वो बहुत पैसे वाला। आपने दोबारा तहरीर दिया थाने में जाके? दोबारा जा करके हम लोग परिवार के लोग और हम ग्राम सभा के लोग भी दोबारा तहरीर दिए थाने पर, तो उसके बाद भी कोई आज तक देखने नहीं आया। उसके साथ तमाम अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो डरा हुआ व्यक्ति है। उनके परिवार के लोग हैं वो बता देंगे कि 10-12 अज्ञात लोगों और उसके दो बेटे हैं, दोनों बेटे गाड़ी सहित आते हैं और उसको डांटते हैं कि तुम मुकदमा उठवा लो नहीं तो तुमको गांव से उठवा देंगे, मरवा देंगे, ख़त्म कर देंगे सर।